प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो? संगम युग पर तुम बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो? उत्तर है, सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में तुम बच्चे एक्सपर्ट बन जाते हो। तुम्हारे पास जो भी आएगा उसके बाबा कहते हैं तुम मनोकामना पूर्ण कर दोगे। मनोकामना कौन पूरी कर सकता है दूसरों की, बताओ? बाबा ने तो आपको, अभी तो आपको कह रहे हैं ना तुम एक्सपर्ट बने। शिव बाबा तो करता ही है, और मनोकामना कौन दूसरों की पूरी कर सकता है? जो खुद भरपूर है, जो खुद भरपूर है, जिसकी अपनी कोई कामना नहीं वो सबकी कामना पूरी कर सकता है। जो खुद मांगता है वो दूसरे दूसरों को, जैसे वो दिखाते हैं ना भी, राजा के यहाँ वो मांगने गया भिखारी, उसने देखा राजा भी मांग रहा है भगवान से, तो कहते मैंने तो सोचा था मैं ही भिखारी हूँ, राजा मेरे से भी बड़ा भिखारी है, तो उसने कहा मैं भी उससे क्यों ना मांगूं, इसे राजा मांग रहा है। तो बाबा कहते हैं कि तुम मनोकामना पूर्ण करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी इस वक्त अपनी कोई मनोकामना नहीं है। जब तुम्हारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं तो तुम सबकी इच्छा पूरी कर सकते हो, और इच्छाएं तब शांत होती हैं या मनोकामनाएं तब शांत होती हैं जब तुम संपन्न बन जाते हो। तुम्हारी इच्छाएं कब खत्म होती हैं? जब तुम संपन्न होते हो, नहीं तो अभाव का नाम ही इच्छा है। इच्छा क्या है? जब किसी चीज की कमी होगी तो आप उसकी इच्छा करोगे। अगर आपके पास जो चीज़ पड़ी है उसकी इच्छा करते हो, अब घर में फ्रिज पड़ा है, हम कहते हैं भी फ्रिज लाना है, ना हो मान लो तो इच्छा होगी भी गर्मी आ गई क्या करें। अभाव से इच्छा की उत्पत्ति होती है, और बाबा आके हमारे सब अभाव खत्म कर देता है, इच्छा मात्रम अविद्या बना देता है। लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या कब बनते हैं? जब हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, हम संपन्न बन जाते हैं तो कोई इच्छा नहीं रहती। तो बाबा हमें भरपूर करने आया, जो भरपूर हैं उनकी इच्छाएं खत्म हैं। तो अंदर से भरपूर हैं, बाहर की बात नहीं हो रही, जो अंदर से भरपूर हो जाते हैं वो बाहर भी भरपूर हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी के पास कोई विशेष ज्ञान है, उसके पास कैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं? बागेश्वर बाबा के पास कैसे कितनी दुनिया इकट्ठी हो रही है? क्यों हो रही इकट्ठी? एक तो वैसे स्मार्ट है ना, दूसरा वो पर्ची बना देता है आपकी, आगे पीछे का बता देता है, तो कैसी दुनिया इकट्ठी होगी? लोगों को लगता है हमारी मनोकामना पूर्ण कर रही, कोई किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता, बता सकते वहाँ वो भी शुभ कर्म करना ही बताएंगे, क्योंकि शुभ कर्मों से ही आपके, जैसे हम भी कोई पूछने आता है ज्योतिष लगवाता है तो हम कहते हैं ना किसी पशु की, पक्षियों को ये दे दो, गाय को दे दो, भगवान का नाम जप लो, मंत्र जप लो, प्रभु को याद कर लो, दान पुण्य तो बताते हैं, शुभ कर्म ही तो बताते हैं। शुभ कर्म से अशुभ कर्म कट जाएंगे। तो वही बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अभी एक्सपर्ट बन रहे हो मनोकामना पूर्ण करने के। मनुष्यों की कामना कौन सी है, सबसे बड़ी कामना कौन सी होती है, सोच के बताओ? मनुष्यों की कामना कौन सी है? तो अमेरिका वालों के पास बहुत माल है, वो भारत में भाग रहे हैं शांति के लिए, शांति नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि धन दौलत आपके पास बहुत हो जाएगा तो आप शांत हो जाओगे, ये तो एक चीज है, एक हिस्सा है। अगर आपका तन रोगी है, ठीक है, आपके धन बहुत है और आपको कहते ना आपने रसगुल्ला खाना,
वो तो है जी, पहला सुख नहीं है ना। तो हमें तन भी ठीक चाहिए, मन भी ठीक चाहिए, धन भी ठीक चाहिए, जन भी ठीक चाहिए, रिश्तेदार संबंधी ठीक ना तो क्या करोगे? सब आपका साथ ठीक संबंध ना हो तो क्या करोगे? तो सारे सुख चाहिए हमें, तन का भी, मन का भी, धन का भी, जन का भी। तो ये तो एक एक डायमेंशन है कि हमें धन चाहिए। धन जरूरी है क्योंकि धन जो है वो माध्यम है, धन कुछ है नहीं। अब एक नोट है जो जो नोट है, अगर उसके ऊपर गवर्नर के साइन हटा दो, सुन लो मेरी बात, जो 100 का नोट है, 1000 का नोट है, 2000 का नोट, उसके ऊपर गवर्नर के साइन हटा दो, कागज बाकी सारा सेम है, उसकी बताओ क्या वैल्यू है? कागज तो वही है, कागज की वैल्यू किसकी है? आप समझे नहीं। जो चीज है अगर नहीं, वहां साइन वाला ना बनाओ, अनसाइंड बना दो, वही तो कह रहा हूँ। वैल्यू किसकी है? उस अथॉरिटी की है जो आपको कहता है गिव द बीरर दिस दिस दिस, इतना अमाउंट देता हूँ। वो मान लो कल को आप लाल की बजाय दूसरे रंग के छाप दो, तो क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? कुछ नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है ये कुछ है नहीं, ये हमने एक करेंसी बना रखी है काम चलाने के लिए। हर देश की अलग अलग है। पहले करेंसी होती थी सोना चांदी, पीतल के सिक्के तो सबने देखे ही होंगे, मोरी वाला दूसरे वाला, तो उनकी वैल्यू तो होती थी कोई। इस कागज की क्या वैल्यू है? कई बार तो जो सोने के भी सिक्के होते थे, अब प्राचीन जो मिलते हैं तो क्या मिलते हैं, है ना, चांदी के सिक्के। अब सिर्फ दिवाली वाले दिन वाले रह गए, है ना। हाँ, सोने के सिक्के लेकिन उनकी कोई वैल्यू तो है, बेच तो सकते हो मार्केट में। इस नोट की क्या वैल्यू? एक माचिस की तिल्ली दिखा दो इतने सारे को भी, पता नहीं लगेगा गए का, उसको तो आग भी नहीं लगा सकते ना। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्यों की कामना है, सबसे बड़ी कामना होती है, वो होती है मुक्ति, फ्रीडम। दूसरे शब्दों में उसको क्या बोलते हैं? पति पत्नी भी अगर एक दूसरे को फ्रीडम नहीं देते तो वहां भी दम घुटने लगता है। जैसे मान लो लोगों को होती भी हम एक दूसरे गले मिले, ठीक है, अब गले मिल के छोड़े ही ना, मान लो भाई हम तो 10 साल बाद मिले, अब हम जब भी छोड़ेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद ही सांस घुटना शुरू हो जाएगा। ओके यार पीछे हट, वो तेरा हो गया। क्या चाहिए? फ्रीडम, स्पेस। कितने ही आप कह लो किसी से, लेकिन आपको सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय है वस्तु है वो है मुक्ति। मुक्ति मैंने किसी भी हम बंधन में ना हो। जैसे माँ बाप बच्चों को ज्यादा टोकते रहे, अपने बंधन में बांधना चाहे, बच्चों को अच्छा लगता है? कोई पत्नी को पति बांधना चाहे या पत्नी पति को बांधना चाहे, उनको अच्छा लगता है? भले कर लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन अंदर से तो होता है ना घुटन फील होती है। किसी भी आत्मा को बंधन पसंद नहीं है, अल्टीमेट बात कर रहा हूँ ये। सबको स्वतंत्रता चाहिए अपने अपने ढंग की। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की ही हमारी अंतिम कामना है कि जीते जी हम मुक्त हों। बाबा कहता है ये कामना भी तुम बच्चों को ही पूर्ण करनी है, भगवान तो पूर्ण करता ही है। बाबा ने हमें अपने जैसा बनाया, बाबा आके हमें चेले चपटे नहीं बनाता। गुरु क्या बनाते हैं? चेलियां चपटियां, चेले चपटे। और हम क्या बनाते हैं यहाँ? गुरु। गुरु वो कहते कृष्ण भगवान ने बनाई थी क्या? वो कृष्ण और हमारा कृष्ण सेम है। अब भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग को इकट्ठा क्यों करते? वहां तो श्री कृष्ण गोपियों के कपड़े भी उठाता था, वहां तो कृष्ण गोपियों कपड़े भी उठाता था, मक्खन भी खाता था। अरे हम लोगों ने, बाबा ने आके इनके ऊपर लगे हुए जितने लोगों ने जो धब्बे लगा रखे थे, जिस कारण जो
आज मैंने एक लड़की का सुना केरला स्टोरी के ऊपर, उसको भी इसी तरह से ब्राह्मणों की लड़की को उन्होंने मुसलमान बना लिया समझ लो। मैं भेजूंगा आप सबको सुनना, ब्राह्मण पर है इंग्लिश में वो। तो इसलिए ये तुम्हारे जो है तुम्हारे पास कई प्रश्नों के उत्तर नहीं है, जिनको आपने भगवान मान रखा, कोई चाहे राम या कृष्ण, तो उनको ऊपर भी इतने वो हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं छोड़े, ब्रह्मा अपनी बेटी पे मौत हो गया, कोई है विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत भंग किया, आई समझे, ऐसे ही शंकर जी की कहानियां, जलंधर की जो है उसका वो किया, कोई छोड़ी है, चलो चलो चलो। तो बाबा कहते हैं बाबा की मुरली को डाइल्यूट मत करो, तुम्हें सबकी मनोकामना पूर्ण करनी है, तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो, हमें चाहिए क्या वो देखो। अब हम उनकी कहानियां पढ़ के क्या सीखेंगे, इंग्लिश में कहावत है डेविल कोट्स द स्क्रिप्चर्स ऑन हिज साइड, डेविल कोट्स द स्क्रिप्चर्स ऑन हिज साइड, वो कहता है मैंने अगर कुछ कर लिया तो क्या श्री कृष्ण नहीं करता था, करेक्टर लीला है वो, करें तो लीला है, ऐसे ऐसे गीत बना दिए। फिर तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमने तो बाबा ने आके सबको प्योरीफाई कर दिया, देवी देव वहां तो देवी देवताओं पांच विकार दिखाए हैं, तो फिर उनकी पूजा करने क्या जरूरत है, अगर देवता भी विकारी हैं तुम भी विकारी हो, विकारी विकारी की पूजा करेगा क्या, वो पूज्य होंगे तुम पुजारी होंगे तभी तो पूजा करोगे, या पुजारी पुजारी की पूजा करेगा, मंदिरों में देखे कभी पुजारी पुजारी की पूजा कर रहा, हम मूरख खल कामी, हाँ हम पतित हैं, जाके तो ये कहते। तो बाबा कहते हैं तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो, शांति को जंगल में नहीं मिलती, वो जंगल की ही शांति होती है, फिर जब दुनिया में आओगे फिर वही वाली बात, कि कोई महात्मा ने 20 साल तपस्या की जंगल में, उसको लगा पांचों विकार मेरे खत्म हो गए, जब दुनिया के संपर्क में ही नहीं तो धीरे धीरे उसको लगा, लोग उसको एक मेला था नीचे, उसको कहते महाराज जी चलो आप मेले में ले चलते, नीचे गया तो उसके पैर पे किसी का पैर आ गया महात्मा के, उसी को मार दिया थप्पड़, फिर सोचे थे ओहो 20 साल कहाँ गए, सबके बीच में रह के विकारों से मुक्त होना है, भगवान ने हमें भागने के लिए नहीं कहा, भागता कौन है, कांवर, कायर, कायर, कावड, वो छोड़ के भाग जाएगा मैदान, लेकिन जो शक्तिशाली है वो कभी पीठ नहीं दिखाता। तो शांति जंगल में नहीं मिलेगी, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, उसमें टिक जाओ, आप बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठ जाओ आत्मा में ही स्थित हो जाओ, शांति ना भी कहो तो भी शांत हो जाओ। रात को गहरी नींद में चले जाते हो तो कोई मेहनत करते हो, सुबह उठते हो तो मन कितना शांत होता है, इसका मतलब क्या, आत्मा का स्वधर्म शांति है और हमें वो प्रिय है। अब मान लो आपको खाना पसंद है, थोड़ी देर के लिए आपको कई चटपटी चीजें और ये वो पसंद है, अब हम आप हमारे घर आए मान लो, हमने खूब आपके लिए छत्ती पदार्थ बनाए, रात का टाइम है, डिनर पे बुलाया, तो हम कहें भैया कैसा लगा, इनको बहुत बढ़िया, इनको और खाओ, ऐसे ही होता है ना, और खाओ, ये कैसे नहीं, ये भी बढ़िया, इनको और खाओ, और उसको खिलाते जाएं तो अंत में क्या कहेगा, हाँ फिर वहीं उबासियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पेट में चला गया वो खाना, खून जो दिमाग से पेट में आ गया पचाने के लिए, तो दिमाग जो है वो बस भी रहता है, अभी सोने की जगह मिल जाए ना, जब आप सोने लगो फिर ला के, ये बहुत टेस्टी है खाओगे, यार बस करो मेरे को सोने दो, मेरे को तो नींद आ रही है, यही होता है ना, नींद हमें सबसे प्रिय है, क्यों, क्योंकि वहाँ हमारे स्वरूप के दर्शन होते हैं, चाहे अज्ञान में ही हो, क्योंकि हम शांत हो जाते हैं। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म शांति है। बाबा ने फिर कहा शरीर से डिटैच हो जाओ,
इस शरीर से डिटैच हो जाओ तो शांति में चले जाओगे, और बाबा को याद करो तो सुख शांति का वर्षा भी मिल जाएगा। इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर भगवान का मददगार बनना है, तन से मन से धन से, और सबको ईश्वर का मैसेज देके। और रोज चेक करा करो भी हमने आज भगवान की कौन सी सेवा की, तन से की मन से की। मान लो तन से नहीं करने का मौका मिला, बैठे बैठे मन से तो लोगों को अच्छी वाइब्रेशन भेज ही सकते हो, शुभ कामना शुभ भावना तो हर एक के प्रति रख ही सकते हो, सर्व का मंगल हो ये तो भावना रख ही सकते हो ना, मंगल भावना मंगल हारी कर सकते हो ना। तो कोई ना कोई सेवा हमें जरूर करनी चाहिए, तन से मन से, या फिर धन का सहयोग दो, या फिर जो है किसी को ज्ञान सुनाओ। पवित्रता की अंगुली देनी है भगवान को, जो सबसे बड़ा सहयोग चाहिए वो अगर भगवान का बन के भी आप उल्टे सुलटे काम करते रहे तो ये भगवान के यज्ञ में विघ्न डालते हो। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि ऋषि मुनि यज्ञ रचते थे और असुर लोग आकर उसमें हड्डियाँ डाल देते थे, गंध डाल देते थे, ताकि इनका यज्ञ पूरा ना हो। तो हम बच्चे भी अगर उल्टे सुलटे संकल्प करते हैं तो शिव बाबा ने जो रुद्र यज्ञ रचा है उसमें हम विघ्न डालते हैं, तो हमें अलाउड नहीं है ये उल्टे सुलटे संकल्प करना, अपवित्रता के संकल्प करना, विकारों के संकल्प करना, ये अलाउड नहीं है। या भगवान की बात को सीरियसली ना लेना, लाइटली ले लेना, उसको समझना जैसे आम आदमी बोलता है ऐसे कोई बोल रहा है, ये बात कोई कहने वाला दुनिया में आपको मिलेगा नहीं, नहीं समझे। इधर उधर की बातें करेंगे लेकिन बीच में नहीं आएंगे, केंद्र में। पवित्रता की अंगुली देनी है और मनमना भाव रहना, मनमना भाव ने भगवान में अपने मन को लगा देना, भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच हो, बाबा से याद, बाबा की याद में रह के शक्ति लेनी है। सर्वशक्तिवान से जुड़ोगे तो क्या मिलेगा, अब पावरफुल बनना चाहते हो तो फिर पावर हाउस से तो जुड़ना पड़ेगा ना। ये क्यों चल रहा है पंखा, लाइट क्यों जल रही है, पावर हाउस से जुड़ा है। ऐसे ही अगर हम पावर हाउस से जुड़े होंगे तो हमारे भीतर भी शक्ति का संचार होगा, यही समझे। जैसे होते हैं ना लाइव वायर, कोई हाथ लाए तो करंट लगता है, ऐसे जो महापुरुष होते हैं ना वो भी लाइव वायर जैसे ही होते हैं, वो शक्ति देते हैं सबको। शांति का दान देना है और सबको शांति शांति, इसलिए भारत में जितने भी मंत्र हैं बाद में क्या होता है अंत में ओम शांति ही शांति ही शांति, क्योंकि शांति आत्मा का स्वधर्म है।